सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल नॉट्स राइडर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम करने वाले हैं सुजुकी एमनिस 2022 एडिशन की टेस्ट राइड। और इस टेस्ट राइड में हम बताएंगे आपको कि ये स्कूटी कैसी है चलने में, इसकी हैंडलिंग कैसी है, ब्रेक सिस्टम कैसा है, एक्सेलरेशन कैसा है, और भाई सिटिंग पोस्चर कैसा है। सिटिंग पोस्चर तो वैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये भाई हमारे राकेश सुजुकी से हैं, तो एक बार बैठ के दिखाएंगे सिटिंग पोस्चर कैसा है। राकेश भाई बैठना कैसा है सिटिंग पोस्चर? तो देखो सिटिंग पोस्चर कुछ ऐसा है, साइड स्टैंड इन्होंने ऊपर किया। तो एक चीज़ और बता दूँ, इसके अंदर साइड स्टैंड कट ऑफ भी है, मतलब कि जैसे आप स्टैंड नीचे करोगे तो इंजन अपने आप ऑफ हो जाएगा। बढ़िया फीचर है जो स्कूटी के अंदर भी आ गया है। तो राइडिंग पोस्चर कुछ ऐसा है, ये आप देख सकते हो कितना कम्फर्ट है। तो चलो टेस्ट राइड करते हैं स्कूटी को और बताते हैं इस स्कूटी के बारे में कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, चलने में कैसी है। निसिन के ब्रेक दिए हुए हैं भाई, एक नंबर चीज़ है। तो कहने का मतलब ये कि जब तक साइड स्टैंड नीचे लगा रहेगा तब तक स्कूटी स्टार्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ना इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ स्कूटी का कैसा है। ये मैंने लगाई मेन स्टैंड पे और ये स्कूटी कर दी स्टार्ट। 3-in-1 है स्विच, इग्निशन ऑफ, इग्निशन ऑन और इंजन स्टार्ट, मतलब किल स्विच, 3-in-1 स्विच है, सब कुछ इसी के अंदर दिया हुआ है। तो एग्जॉस्ट नोट आप सुन सकते हो कुछ ऐसी है, काफ़ी स्मूथ साउंड है भाई। चलो लेते हैं टेस्ट राइड स्कूटी की। सस्पेंशन चेक करते हैं सबसे पहले भाई, बैठने के बाद सस्पेंशन कैसे हैं। मैंने एरोक्स के भी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, क्योंकि उसका जो सस्पेंशन था वो काफ़ी हार्ड था। अगर इस सस्पेंशन से उसको कंपेयर किया जाए तो ये सस्पेंशन तो भाई बहुत सॉफ्ट है। बहरहाल उसमें सस्पेंशन चेंज करने का ना ऑप्शन होता है और उसको आप अपग्रेड या डाउनग्रेड कैसे भी कर सकते हो, लेकिन इस स्कूटी में वो सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाई ऑलरेडी सस्पेंशन बढ़िया है स्कूटी का। अभी थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे क्योंकि भाई अपने को लेनी है टेस्ट राइड स्कूटी की और देना है एक जेन्युइन रिव्यू। सबसे पहले भाई स्कूटी का ना अपन चेक कर लेते हैं थ्रॉटल रिस्पॉन्स कैसा है, ठीक है? तो सुजुकी एमनिस देखते हैं अपनी कसौटी पर खरी उतरती है नहीं उतरती है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स भाई बहुत सही है स्कूटी का। सेम एक्सेस वाली फील आ रही है, बल्कि एक्सेस से ज़्यादा हैंडलिंग मुझे बेहतर लग रही है। अब देखो एक्सेस के बाद एवनिस आया है तो थोड़े बहुत अपग्रेडेशन तो सुजुकी ने किए ही होंगे। अब ये थोड़ी कि यार एक्सेस वाली ही इसके अंदर फील डाल दें वो। अब ये उसका अपग्रेडेड मॉडल है, मतलब कि सुजुकी एक्सेस 125 का अपग्रेडेड मॉडल है, तो फिर थोड़े बहुत चेंजेस तो किए ही होंगे सुजुकी ने। और अगर सेम चीज़ दे देंगे तो फ़र्क ही क्या रह जाएगा, फ़ायदा ही क्या होगा। ब्रेक सिस्टम बढ़िया भाई, CBS ब्रेक सिस्टम है, बढ़िया काम कर रहे हैं, एक बारी में पता लग गया। क्योंकि आप लोगों से पता होता क्या है, जब मोटो व्लॉगिंग करते हैं ना तो बंदे का ध्यान सिर्फ बातों में रहता है कि आप लोगों के साथ में क्या नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, क्या डिटेल शेयर कर रहा हूँ, और राइडिंग पे ध्यान थोड़ा सा कम ही रहता है। अचानक मैंने ब्रेक लिए तो भाई एकदम ब्रेक ने रिस्पॉन्स बढ़िया करा, तो उसी से पता लग गया कि भाई ब्रेक सिस्टम बढ़िया काम कर रहे हैं स्कूटी के। गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एवनिस की जो खासियत है वो है इसका माइलेज, मतलब इतनी पावर होने के बावजूद भी इसके अंदर माइलेज बढ़िया मिलता है आपको। अगर मैं इसका माइलेज सीधा सीधा एंटोर्क से कंपेयर करूँ ना, तो भाई इसका माइलेज एंटोर्क से बहुत ज़्यादा है। ये दे देती है कम से कम 45 to 50 km/h, 45 to 50 km/h दे देती है। बाकी डिपेंड ऑन राइडिंग कंडीशन कि भाई बंदा कैसे राइड कर रहा है स्कूटी को। हर बंदे का राइड करने का स्टाइल जो होता है अलग अलग होता है, कुछ इकोनॉमी में चलते हैं, कुछ पावर मोड पे चलते हैं। तो भैया माइलेज की तो ऐसी बात है कि माइलेज जो डिपेंड होता है वो होता है राइडर पर डिपेंड, ठीक है? अब थोड़ा सा स्कूटी का अपन चेक कर लेते हैं हैंडलिंग कैसी है। पावर पंच तो भाई स्कूटी का बहुत बढ़िया है, 9 BHP के हिसाब से यार बहुत अच्छी पावर आउटपुट आ रही है स्कूटी की। 106 kg वेट है स्कूटी का, तो उस हिसाब से भाई पावर टू वेट रेशियो में कह सकता हूँ परफेक्ट बनाया है स्कूटी ने। यार यही चीज़ जैपनीज़ इंजीनियरिंग की बहुत बढ़िया लगती है मुझे। इस चीज़ में ना जैपनीज़ इंजीनियरिंग भाई एक नंबर काम करती है, मतलब उनको पता है कि भाई हमारी मार्केट के अंदर सुजुकी एक्सेस चल रही है और हमें उससे बेहतर एक चीज़ देनी है मार्केट के अंदर। वो जानते हैं कि भाई हमें क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। इस मामले में ना भाई सारी जापानीज़ कंपनी को हेड्स ऑफ है, चाहे वो सुजुकी हो, चाहे वो यामाहा हो, चाहे होंडा हो या कावासाकी हो। लेकिन पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो भाई मेरे को सुजुकी की स्कूटियाँ ज़्यादा पसंद आई हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी स्कूटियाँ टेस्ट राइड करी हैं, होंडा एक्टिवा, एंटोर्क वगैरह ये सारी। और मैं फुल्ली मतलब के कॉन्फिडेंट होके आपको ये बता सकता हूँ कि भाई किस स्कूटी में क्या खासियत है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है। गाइज अगर मैं इसी चीज़ को देख के अगर बात करूँ तो सुजुकी एक्सेस को मैं फर्स्ट नंबर पे रखूँगा, लेकिन भाई अब मुझे लग रहा है कि भाई एक्सेस के बाद मुझे एवनिस को रखना पड़ रहा है फर्स्ट नंबर पर। क्योंकि इसको चलाने में भाई फील आ रही है और हैंडलिंग, ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन परफेक्ट है भाई स्कूटी का।
अब थोड़ा सा खींच के देख लेते हैं स्कूटी को। इस देखो नया इंजन है, अभी रन इन मोड पर है, तो इसलिए इसको ज़्यादा अपन भगाएंगे नहीं, लगभग 60 तक ही मैं लेके जाऊँगा। और 60 पे जाने के बाद भाई बहुत स्मूथ हो गया इंजन। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये वाली जो स्कूटी है 0 किलोमीटर पे चली हुई थी, इसको 2 किलोमीटर मैंने ही चलाया है। इस स्कूटी को चलाने के बाद मैं ये कह सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ, सर्विस होने के बाद ये स्कूटी सारी स्कूटियों में सबसे ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई और 3 किलोमीटर स्कूटी सारी चली है, और 3 किलोमीटर में ही मेरे को पता लग गया कि भाई कितना स्मूथ इंजन है। ये देखो ऐसा लग रहा है कि भाई फर्स्ट सर्विस होके आ चुकी है और फुल्ली स्मूथ इंजन है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है भाई, वो है इसका पावर फिगर, देख रहे हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है मुझे, अच्छा खासा वज़न है मेरा, अच्छा खासा वेट है भाई, लेकिन मुझे भी सही खींच के लेके जा रही है, परफेक्ट है भाई सिटी राइड के लिए, रश वाले एरिया के लिए, ट्रैफिक वाले एरिया के लिए चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप हैंडल बार की बात करो, इसकी क्वालिटी की बात करो, तो भाई एकदम प्रीमियम है, और ये आप देख सकते हो बिल्कुल कंफर्ट मोड पे अपन चल रहे हैं। सो गाइस इन द एंड यही कहूँगा, मैंने इस स्कूटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करी, जिसमें आता आपका ब्रेकिंग सिस्टम, हैंडलिंग, एक्सेलरेशन और भाई पावर टू वेट रेशियो, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर चेक करी, बॉडी बैलेंस वगैरह भी चेक कर लिया। भाई मेरे हिसाब से स्कूटी परफेक्ट है। बाकी आप अगर लेना चाहो तो आ जाओ धर्म सुजुकी नांगलोई, नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, सारी डिटेल वगैरह आप पूछ सकते हो। डाउन पेमेंट जो है इसकी 5000 रुपये है, मतलब कि 5000 रुपये दे के आप इसको फाइनेंस करवा सकते हो ईजिली। और स्कूटी की जो कॉस्टिंग है वो है अप्रॉक्स 86,700 के आसपास एक्स शोरूम दिल्ली। बाकी आप धर्म सुजुकी से कॉल करके कंफर्म कर सकते हो कि भाई ऑन रोड प्राइस क्या आ रहा है इसका। सो गाइस अब बात करते हैं इस स्कूटी की। गाइस अगर मैं इस स्कूटी को रेटिंग देना चाहूँ तो वो मैं दूंगा इसको 4.5 स्टार आउट ऑफ 5, यानी कि 4.5 स्टार की मैं इसको रेटिंग देना पसंद करूँगा, क्योंकि इस स्कूटी में मेरे को कुछ खामी नहीं लगी। बाकी यार ऑनरशिप रखने के बाद ही पता लगता है कि यार स्कूटी में क्या खामी है, क्या कमी है। लेकिन गाइस हमारा जो रिव्यूज़ होता है ना, वो होता है राइड एक्सपीरियंस पे बेस्ड, कि भाई स्कूटी ने आपको क्या दिया, या बाइक ने आपको क्या दिया, या गाड़ी ने आपको क्या दिया, कैसी फील दे रही है चलने में, और हैंडलिंग कैसी है, ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, ये सारी चीज़ें चेक करके अपन रिव्यूज़ बनाते हैं और रेटिंग देते हैं बाइक को या स्कूटी को। तो ये सारी चीज़ें ही हैं जो भाई हमें और तुम्हें हेल्प करती हैं नई स्कूटी या बाइक लेने के लिए। सो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो सुजुकी एवनिस के फर्स्ट राइड रिव्यूज़ की। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। और धर्म सुजुकी का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, जिस भाई को भी एवनिस, बर्गमैन, एक्सेस या फिर सुजुकी जिक्सर 150 चाहिए हो, 155 चाहिए हो, वो कॉन्टेक्ट कर सकता है धर्म सुजुकी से। ठीक है,